वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम विक्टोरियन एज के दौरान जो लिखी गई प्रोज है उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। विक्टोरियन प्रोज राइटर्स। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन विक्टोरियंस वर अगेंस्ट द न्यू फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री यूटिलिटेरियन इथिक्स एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिफोर दीज फोर्सेस। वैसे अगर देखा जाए विक्टोरियन एज की जो प्रोज है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त अर्ली विक्टोरियन प्रोज राइटर्स की। तो ज्यादातर जो हमारे विक्टोरियन थे वो, क्योंकि उस वक्त, क्योंकि विक्टोरियन एज के दौरान ही उद्योग लगाए गए थे, इंडस्ट्री लगाई थी, बहुत सारे कॉलेज स्कूल वगैरह सब चीजें खोली गई थी, तो वहाँ के जो लेखक थे उन सबके अगेंस्ट, तो उन्होंने ज्यादातर जो लिखा वो इंडस्ट्री, उद्योग, यूटिलिटी, उपयोगितावादी, इथिक्स, नीति शास्त्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और राजनीतिक डेमोक्रेसी के खिलाफ लिखा था। यानी वो इनकी फोर्सेस के अगेंस्ट थे, फॉर दीज फोर्सेस, वो पूरी तरीके से इन फोर्सेस, इन सब चीजों से लड़ते थे। यानी उन्होंने अपनी राइटिंग में इन सब चीजों के बारे में लिखा है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है थॉमस कार्ले का। ही वाज द डोमिनेंट फिगर ऑफ द विक्टोरियन एज। ये विक्टोरियन एज के एक प्रमुख फिगर है। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क। वे अपने कार्य के लिए काफी फेमस है, जैसे कि हीरो एंड हीरोपरशिप, ओलिवर क्रॉमवेल्स लेटर्स, स्पीचेस पास्ट एंड प्रेजेंट, लाइफ ऑफ फ्रेडरिक। ही वर्क एज टीचर। वो हमेशा एक टीचर के रूप में कार्य करते हैं, एंड प्रॉफिट एक जो एक पवित्र तो पादरी व्यक्ति उसके रूप में कार्य करते हैं। देयर ही वाज कॉल्ड द सेम द सागे ऑफ चिरिसा, इसलिए वो उनको सागे यानी पवित्र व्यक्ति यानी साधु संत कहा जाता है। लॉर्ड वी मैकाले। ही इज मेनली फेमस फॉर हिज वर्क हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड एसेज ऑन मिल्टन। ये अपने दो कार्यों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वो है इंग्लैंड का इतिहास और मिल्टन के ऊपर जो एसेज ऑन मिल्टन लिखा है। जॉन रस्किन। ही इज नोन फॉर हिज शॉर्ट वर्क। वो उनके उन्होंने बहुत छोटे छोटे कार्य लिखे, जैसे कि सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन्स ऑफ वेनिस एंड अनटू द लास्ट। इन तीनों के लिए जॉन रस्किन काफी अच्छे से जाने जाते हैं। और अनटू द लास्ट किसने लिखी? जॉन रस्किन ने लिखी। ये क्वेश्चन अक्सर ही कंपटीशन में पूछा जाता है। अब बात करते हैं लेटर विक्टोरियन प्रोज राइटर की। जो दूसरी जो जनरेशन थी उसके विक्टोरियन प्रोज राइटर कौन से थे? लाइक द सेकेंड जनरेशन ऑफ फिक्शन राइटर इन द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में जितने भी फिक्शनल राइटर्स थे, जिन्होंने नॉवेल्स, कहानी, सब चीजों को लिखा, उसकी जो सेकेंड जो जनरेशन थी, द सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोज राइटर वर मोर कॉन्शियस ऑफ द आर्ट ऑफ प्रोज राइटिंग देन देयर प्रेडिसेसर्स। यानी प्रोज राइटर्स होते उनकी राइटिंग के प्रति काफी वो सचेत होती थी, बजाय देयर प्रिटीज अपने जो उनके पूर्वजों ने जो लिखा उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितनी कि वो आगे आने वाली एज को देते थे, या विक्टोर एज में जो लोग थे उनको काफी तरजो देते थे। इसलिए इनके पूर्वजों ने क्या किया, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। दे वर रादर इंडिफरेंट टू द थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ देयर टाइम। और अक्सर ये लोग जो थे अपने समय पर जितनी भी राजनीतिक, सैद्धांतिक या आर्थिक जितने इश्यूज आए थे उनके प्रति काफी उदासीन रहते थे। अनलाइक देयर प्रेडिसेसर, जिस तरीके से उनके रज भी होते थे, दे मेड राइटिंग द सोल बिजनेस ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने राइटिंग को ही अपनी जिंदगी का व्यापार बना लिया था। आर्ट फॉर आर्ट से वाज देयर स्लोगन, और उनका जो मानना था वो था आर्ट कला कला के लिए, जो उनका स्लोगन था, नारा था। लेटर विक्टोरियन प्रोज राइटर दे रीज अगेंस्ट अप्लाइड लिटरेचर। वो अक्सर जो अप्लाइड जो लिटरेचर को अप्लाई किया जाता है उसके वो अगेंस्ट थे, और द प्रोज ऑफ पर्पज। और शायद यही पर्पज का उद्देश्य भी होता है कि जो कि वो अप्लाइड लिटरेचर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, विच डिबेटेड करेंट इश्यूज और प्रीस्ट मॉरल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इसलिए उन्होंने जो करेंट जो इश्यूज थे उनके ऊपर डिबेट करना स्टार्ट किया, और प्रीस्ट मॉरल और पॉलिटिकल फिलोसफी, उन्होंने फिर जो मॉरल नैतिकता से भरे जो उपदेश हो उपदेश को देना, राजनीतिक फिलोसफी और राजनीतिक फिलोसफी सिद्धांतिक चीजों को प्रयोग करना, ये सब लेटर जो विक्टोरियन राइटर थे उनकी राइटिंग में सब चीजें देखने को मिलती थी। देयर वाज रिटर्न ऑफ नेचर इन इंग्लिश प्रोज पोइम्स ऑफ दिस। इस एज की जो प्रोज पोइम थी उस वक्त
तो ज्यादातर लोग नेचर के बारे में लिखा करते थे। इस तरीके से विक्टोरिया एज के जो नेटिव विक्टोरिया तो राइटर्स थे, उन्होंने अपने कार्य के अंतर्गत इंग्लिश प्रोज को भी काफी इम्पोर्टेंस दी है, एक जगह दी है। अब देखते हैं कि विक्टोरियन प्रोज राइटर कौन कौन से। वाल्टर पैटन, ही वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर्स ऑफ लेट विक्टोरियन एरा। तो लेट विक्टोरियन एरा के सबसे प्रमुख लेखों में से एक है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर द रेनेसां एंड द इमेजिनरी पोर्ट्रेट। इमेजिनरी पोर्ट्रेट एंड रेनेसां, ये दो महान इनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। आर एल स्टीवेंसन की जो एलिमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन इन लेटर विक्टोरियन आर द बेस्ट एग्जाम्पल इन एसेज ऑफ स्टीवेंसन। जिस तरीके से एसेज ऑफ स्टीवेंसन लिखा, उसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन थे विक्टोरियन एज के काफी फेमस व्यक्ति, यानी ये वो है जिन्होंने विक्टोरियन एज को अपनी राइटिंग्स पे लिखा है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोज राइटर, प्रोज राइटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी। स्टडी ऑफ ऑल द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ विक्टोरियन पीरियड रिवील्स फॉर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अक्सर अगर हम प्रोज राइटर्स का अगर अध्ययन उठा के देखें तो हम देखेंगे कि उसमें उन्होंने एक सामान्य जो इसकी विशेषता है उनकी पोइट्री वो भी नजर आती है। विशेषताएं कौन कौन सी है। लिटरेचर इन दिस एज हैज कम वेरी क्लोज टू डेली लाइफ। अक्सर इसमें जो साहित्य है, साहित्य के अंदर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो जिंदगी जीने के प्रति काफी जागरूक हैं या काफी वो नजदीक आ जाते हैं। रिफ्लेक्टिंग इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड इंटरेस्ट, और उन सबका वो कहीं ना कहीं हमारे जो एसेज हैं जो उनका प्रभाव, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरेस्ट से इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एंड इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, और मानव की उन्नति का एक सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र है वो जो लेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोज राइटिंग उसमें मानी जाती है। यानी उनकी राइटिंग से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उन सब से संबंधित चीजें पाई गई है। एंड इस पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, और अगर देखा है तो मानव की तरक्की, मानव की जो तरक्की है उसका जो पावरफुल जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सबसे बड़े शक्तिशाली जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो वही है जो हमें राइटिंग में देखने को मिलता है। यानी उन्होंने अक्सर जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ को ही, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ लोग लेते कहाँ नहीं लेते, उन सब चीजों को उसने ह्यूमन प्रेफरेंस का नाम दिया। तो कहते हैं कि लोग जो ह्यूमन प्रेफरेंस के यंत्र के अंतर्गत रहते हैं या कि छत के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल जो इंटरेस्ट है वो काफी इसमें देखने को मिलता है। द टेंडेंसी ऑफ लिटरेचर इज स्ट्रॉन्गली इथिकल, ऑल द ग्रेट राइटर्स आर मॉरल टीचर। जो साहित्य की जो टेंडेंसी, जो प्रथा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती, मजबूत रहती है, एथिकल नैतिकता से परिपूर्ण होती है। ऑल द ग्रेट राइटर और सभी महान जो लेखक है आर मॉरल टीचर्स, वो कहीं ना कहीं किसी चीजों में एक नैतिक टीचर्स उसके अंदर नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो के अंतर्गत ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।